दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर गैस से भरा टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हुआ। यहां टैंक के पलटने से यहां पर आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 बसें और 1 मकान धराशायी हो गए। खबर है कि आग लगने से 2 लोगों की जान गई है, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 1 की मौत और 7 लोगों के झुलसने की पुष्टि की। वहां से जब फोन बाहर से आने लगा कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर यहाँ बात किए, यहाँ आके देखते हैं तो स्थिति बहुत विस्फोटक है और ऐसी स्थिति है कि लोग मैंने हमको लगता है कि 60-70 आदमी घायल हो गया है। उसके बाद यहाँ मैंने गाड़ी अभी आप देख रहे हैं 3 या 4 गाड़ी जो है एकदम उड़ गया है। ये टंकर जो है इस जगह एकदम पूरा मैदान जो है ना पूरा भरा हुआ था एकदम, जैसे उधर देख रहे हैं और एकदम साफ हो गया। धुआं होने के बाद ब्लास्ट किया, पूरा आवाज़ किया, आवाज़ होने के बाद तो सब भागने लगा इधर मर इधर, कोई गिर गिर के किसी का ठहना छिला गया इधर, किसी का जला भी है यहाँ पे, जला है गाड़ी जला है, 3 को गाड़ी जला है और टंकर एक को पलटी मारा, इसी से आग लगा है, घर भी जला है 2 को घर जला है, पेड़ भी जला है, पेड़ भी जल गया है। कितने लोग घायल हो गए? घायल का कोई गिनती है सर? कितना लगभग तो ऊपर ही है। आपको इलाज किए हैं ना? बढ़े टैंकर आ रही थी जो कि ये धावाटाड़ में एक्सीडेंट कर गया और जिससे कि ब्लास्ट हो गया, आग लगी जिसमें कि 3 बस और 1 घर वो जल गया। बाकी हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन टैंकर का जो भी था ये ड्राइवर उसके हताहत होने की सूचना है। कितने लोग चपेट में आने से सर झुलसे हैं? अभी तो एक ही है, अब एक कैजुअल्टी हुई है, बाकी 2-3 लोग हैं जो कि यहाँ पे हैं नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं 2-3 लोग झुलस गए जो कि दर्शक थे, देखने वाले थे। ब्लास्ट होने का वजह क्या सामने आ रहा? अभी तक जो लग रहा है अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तक ये गैस टैंकर था इसलिए ब्लास्ट हुआ।